हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पर्यावरण कक्षा चार का पर्यावरण पाठ सात रिया की ट्रेन देर से भाग तीन पढ़ेंगे। दूसरे भाग में हमने देखा कि रिया के पापा जी ने बताया कि सूरत की प्रसिद्ध मिठाई सुत्तर फेंदी फेनी और घारी, और उन्होंने यह भी बताया कि अभी हम 5 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ेगी। और उनके पापा ने यह भी बताया कि नवसारी और वलसाड़ के बाद तुरंत वापी आ जाएगा। एक आध घंटे में वह अपने मामा जी के घर पहुंच जाएंगे। अभी हम तीसरे भाग में देखेंगे कि मामा जी के घर पहुंचने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे और हिमांश को थी, यानी रिया और उसके भाई को थी। हमारी ट्रेन हमारे गंतव्य वापी पहुंचने वाली थी, जहां हमें उतरना था। मामा जी के स्टेशन पर पहुंचने का टेलीफोन भी आ गया था कि वे हमें घर ले जाने के लिए स्टेशन पर आ गए हैं। हमारा सफर खूब लंबा था, पर मुझे और हिमांशु को बहुत मजा आया था। अब मैं डायरी लिखना बंद करती हूँ, शेष मामा जी के घर पर पहुंचने पर लिखूंगी। अभी वह क्या रिया बोलती है कि अब हम अपनी डायरी लिखना बंद कर देते हैं, अब हम अपने मामा जी के घर पर पहुंचने पर ही डायरी लिखेंगे, क्योंकि उसको अपनी सहेली को दिखाना था। आगे हम देखेंगे 29 मई 10:25 पर आपने कौन 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 से शहर देखे हैं, वहां आपने क्या क्या देखा है, सोचकर लिखिए। तो बच्चों, आपने कौन कौन से शहर देखे हैं और उस शहर में आपने क्या क्या देखा है, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे मैंने सूरत शहर में स्वामी नारायण मंदिर, वडोदरा में आवागढ़ मंदिर और सूरत में अमेजिया वाटर पार्क और इस्कॉन मंदिर, डच गार्डन और गुरुकुल, ये सभी और डच गार्डन आदि ऐसे स्थल हमने देखे हैं। तो बच्चों, आपने क्या देखा है उसके बारे में आपको लिखना है। आपने कितनी तरह के पहनावे पहनने वाले देखे हैं, सोचिए, सोचकर लिखिए। तो यहाँ पे है, हमने अनेक प्रकार के पहनने वाले पहनावे देखे हैं। जैसे गुजरात राज्य में गुजराती यानी चनिया चोली, और राजस्थान राज्य में मारवाड़ी घाघरा चोली, और पंजाब राज्य में पंजाबी ड्रेस और सर पर पगड़ी, और फिर मराठा राज्य में यानी महाराष्ट्र में मराठी, सर पर टोपी, और औरतें 9 गज की साड़ी पहनती हैं, मराठी भाषा बोलती हैं। और उत्तर प्रदेश में साड़ी, कुर्ता पैजामा और पैंट शर्ट लोग पहनते हैं। आगे हम देखेंगे, आपने गुजराती के अलावा कौन कौन सी बोली बोलने वाले लोगों को सुना है। तो हमने सबसे पहले हिंदी, जैसे हम गुजराती बोलते हैं, या साथ में हमने किसको देखा है अलग भाषा बोलते हुए, हिंदी, मराठी, फिर आता है बंगाली, फिर है पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू। तो हमने अनेक प्रकार के भाषाएं सुनी हैं, बोली सुनी है। प्रिया की ट्रेन किस किस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरी थी। तो अभी हम रिया की ट्रेन कौन कौन से रेलवे स्टेशन से गुजरी है वह जानेंगे। रिया की ट्रेन गांधीधाम, सामखिया, अहमदाबाद, नड़ियाद, वडोदरा, सूरत, नवसारी और वलसाड़ वापी स्टेशन से होकर गुजरी थी। अभी आगे हम देखेंगे पृष्ठ नंबर 62 पर दिए गए समय पत्रक के अनुसार रिया की ट्रेन जिन स्टेशनों से गुजरी हो और उनका यहाँ उल्लेख ना हुआ हो, ऐसे स्टेशनों के नाम बताइए। तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं। जैसे रिया की ट्रेन भुज, अंजार, आदिपुर और भचाऊ, फिर मालिया मियान मियाना, हड़वद और विरामगाम, आनंद, अंकलेश्वर आदि स्थानों से, आदि स्टेशनों से गुजरी थी।
और आपके आसपास के इलाके के गांव और शहर के प्रसिद्ध व्यंजनों वस्तुओं की सूची तैयार कीजिए। तो जैसे दिया गया है सूरत की घारी, पाटन का पटोला, तो यहाँ पे आएगा पालनपुर। पालनपुर में कौन सा प्रसिद्ध व्यंजन है? ये है भुना हुआ मावा टेंडा, और वहाँ की वस्तु हीरे और इत्र, जिसको हम स्प्रे बोल सकते हैं। दिशा, दिशा का है टिकड़ी, टिकड़ी भुजिया, और वहाँ का प्रसिद्ध आलू, वस्तु में आलू। फिर है पाटन, पाटन का है देवड़ा, और वहाँ की प्रसिद्ध वस्तु है पटोड़ा। आगे हम देखेंगे ट्रेन के डिब्बे में पानी और बिजली कैसे पहुँचती होगी, तो आइए हम चर्चा करते हैं। ट्रेन के डिब्बे में प्लेटफॉर्म पर बने डिब्बों में पानी पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। जो रेलवे पर लगा होता है पाइप, उनके द्वारा हर डिब्बे में पानी पहुँचाया जाता है, और बिजली के छोटे छोटे बॉक्स हर स्टेशन पर लगे होते हैं, बने होते हैं, जिससे बिजली पहुंचाई जाती है। अंदाज़ा लगाइए कि ट्रेन के समय, ट्रेन के लंबे सफ़र में जाते समय, जाते वक्त समय बिताने हेतु कौन कौन सी चीज़ें साथ लेंगे। जैसे हम लंबे समय में अगर जा रहे हो लंबे सफ़र में, तो हमें लूडो, सांप सीढ़ी और कैरम, कहानी की कुछ किताबें, चेस और मोबाइल, ईयरफोन, फिर हम कुछ खाने की वस्तु भी साथ में ले जाते हैं। दिए गए चित्र में प्रदर्शित सेवकों को पहचानिए, उनके नाम लिखिए और वे क्या काम करते हैं उनकी चर्चा कीजिए। तो आइए हम इन सेवकों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे है, ये यहाँ पे टिकट का निकाश और लेन देन यहाँ पे होता है। तो ये है टिकट जारी करता, टिकट जारी करता। दूसरा है, इनको हम कुली भी बोल सकते हैं, और बोझा ढोने वाला, जो हमारी मदद करते हैं। आगे है सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो हमारे ट्रेनों को साफ करते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म यानी रेलवे स्टेशन को भी स्वच्छ रखते हैं। ये है रेलवे रक्षक, जो पीछे ट्रेन के डिब्बे के पीछे बैठे होते हैं और वो हमारे रेलवे की रक्षा करते हैं। ये है रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस हमारे रेलवे की सुरक्षा के लिए होते हैं। यहाँ पे हैं टिकट चेकर, जो हमारे टिकट की, हमारे टिकट को देखते हैं यानी चेक करते हैं कि इनका टिकट सही है और ये कहाँ से बैठे हैं, कहाँ तक सफ़र करने वाले हैं, उनका दिन और तारीख, समय, कितने बजे का है, कहीं अलग टिकट लेके नहीं चल रहे हैं, यह सब जांच करते हैं। और ये हैं ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, जो हमारे ट्रेन के इंजनों को चलाते हैं, इंजन चालक। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।